लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या सोच रही हो? क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। तुम कह दो कि तुम वर्ल्ड टूर पे इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि बच्चों की पढ़ाई मार खाएगी। हाँ, ये बात करेक्ट रहेगी, मगर ये सब कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगी। मैं तो अब भी कह रहा हूं सबको छोड़ के आ जाओ। नहीं, हमें थोड़ा रुकना चाहिए। मुझे कोई हक नहीं कि सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए मैं औरों की जिंदगी एक पल में खराब कर दूं। मैं अभी इसी वक्त ऑफिस जाकर आदित्य को रुकने के लिए मना लेती हूँ। अब तुम जाओ, हमारा ज्यादा देर यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, कोई देख लेगा। हनी हनी ओह ये हनी हाँ हे राजा, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग इतनी जल्दी मिल रहे हैं। डोंट टेल मी, पहचाना नहीं? But I don't blame you. You're a celebrity. कितने लोगों से मिलते होंगे? Hello, Pallavi Arora, Metro Station. Oh yeah, right, right. Oh God, मेरे हस्बैंड ने इतना तमाशा किया था उस दिन, पर आपको देख के कोई भी excited हो जाए, पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, you know. What are you doing here? Just you ही मैं. Oh really? You ही? मैं भी बस you ही. You know, shopping as usual. Oh. I'm sorry, आप जल्दी में हैं और मैं, you know, I'm stopping you. What a pylon I am. Please carry on. But हम फिर मिलेंगे, okay? Okay. आप दिल्ली में हो ना कुछ दिन? Okay, फिर मिलेंगे. Bye, handsome. Bye, bye. ज़िंदगी इत्तफाक है, कल भी इत्तफाक थी. हाय अंजलि. अरे यहाँ क्या कर रही हो? ऑब्वियसली कॉफी पी रही हो. नहीं, आई बिलीव यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, पर ये क्या, अकेले अकेले? तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो अंजलि? क्या हुआ? हाँ, कितनी कॉफी पीती हो तुम अंजलि? और वो भी दो अलग अलग कप में. एक्सक्यूज मी पल्लवी, मुझे जाना है. हाँ जाओ जाओ जाओ. पर सुनो, तुम्हारी ये राज की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी. क्या? यही कि तुम दो दो कप में कॉफी पीते हो. गुड आफ्टरनून मैम. हेलो मैम. अंजलि यहाँ क्या कर रही हैं आप? यहाँ ऑफिस में आओ बैठो. लगता है सरप्राइजेस का दिन है. पहले दिल, फिर आप, और दिल आप ही की बात कर रहा था. क्या लोगी? ये क्या फॉर्मेलिटीज अपनी वोटी से बात कर रहा है यार. क्या लोगी क्या नहीं लोगी? अरे इस ऑफिस की स्पेशलिटी तो कॉफी है. यामी, आई एम श्योर बैब्स को कॉफी बहुत पसंद है. बैब्स, हैव सम कॉफी? नो थैंक्स. मान लो इनकी बात अंजलि, ये जो बात पहली बार करते मैं नहीं मानता, लेकिन वक्त के साथ मुझे पता चलता है ये जो कह रहे हैं हमेशा सही निकलता है. मैं पिछले एक घंटे से आदित्य को समझा रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहा है. ये जिद पकड़ के बैठा है कि नहीं हो सकता. मैं कहता हूँ क्यों नहीं हो सकता, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपसे पूछते हैं, इसके पहले कि आपको खोजें ढूंढे आप सामने से ही आ गए.
अब आप ही बताइए, आप आदित्य के अलावा किसी और से मिलती हैं? मुझे मालूम है आप किसी से नहीं मिलती हैं, सिर्फ शॉपिंग करती होंगी या फिर कॉफी पीती होंगी तनहा अकेले ऑल अलोन। लेकिन मैं कहता हूं, दिल जमशेदपुर से दिल्ली आया है और अब तनहा है, अकेले है, ऑल अलोन है, फिर क्या फायदा? मुझे पूरा समझे बगैर, जाने बगैर आप कैसे जा सकती हैं? नहीं जाइए बैब्स। मैं समझी नहीं। वर्ल्ड टूर बैब्स? अभी भी आदित्य बता रहे थे कि आप लोग वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। मेरा तमाशा अभी शुरू हुआ नहीं और आप लोग निकले जा रहे हैं। ये घुमा फिरा के कह रहा है कि हम अपना वर्ल्ड टूर पोस्टपोन कर दें और इनकी पार्टी अटेंड करें। प्लीज, आपको दिल की बात रखनी होगी, दिल की पार्टी अटेंड करनी होगी। प्लीज 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 बैब्स, बैब्स बैब्स, प्लीज 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 सही यस बैब्स, प्लीज प्लीज बैब्स। जब ये इतना कह रहे हैं तो पार्टी तक रुक जाते हैं। लेकिन अंजलि, मैंने अपना सब काम रोक के ये वक्त निकाला था, आगे मुश्किल होगी। वो आप कैसे भी करके संभाल लीजिए, वैसे बच्चों की पढ़ाई मार खाएगी, हम आगे चले जाएंगे। हाँ, या तो बॉस, जैसे तुम कहो। कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन, लुक एट मी, ऑलवेज मेक मी लेट। अच्छा, आप मुझे जल्दी से बताओ, मैं लग कैसी रही हूँ? व्हाट व्हाट माय हेयर, ओह माय गॉड, ये तो वो पॉप स्टार है। चलो चलो, एक्सक्यूज मी, राजा जी, इंडियन राजा। ओह माय गॉड, यू आर सो हॉट, वी लव यू, लव योर म्यूजिक। आप दिल्ली कब आए, क्यों आए? लुक हूज हियर, राजा द ग्रेट फ्यूजन सिंगर। राजा, मीट थ्री ब्यूटी। ओह आई एम सॉरी, सोसाइटी क्वींस, मिसेज अंजू। हाय। हाय। मिसेज मंजू एंड मिसेज संजू। राजा, दे लव यू, आई लव यू, वी ऑल लव यू। यस। चलो और सारे लोगों से मिलवाता हूँ, कम ऑन। दिल, आपने क्यों नहीं बताया कि ये भी पार्टी में आ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं बताया? What is all the secrecy, यार? मैं नहीं चाहता था कि आप लोग गर्म हो जाएं, हॉट हॉट हो जाएं। हॉट डिबॉच्ड। डिबॉच। एनीवे, थैंक्स राजा, आपको इतना कम वक्त दिया, फिर भी आप हमारी पार्टी में आए। ये तो हमारी वाइफ पल्लू का ब्रेन वेव था, जिसने हमसे कहा, दिल डार्लिंग, हमारी पार्टी में लखपति, करोड़पति, अरबपति सब आ रहे हैं। सारे तरह के बिग शॉट बिजनेसमैन हैं, लेकिन कोई फनकार, कोई कलाकार, कोई आर्टिस्ट नहीं है जो आप हैं, और आप आ गए। हाउ सेंसिटिव ऑफ यू, दैट्स लाइक अ ट्रू आर्टिस्ट, इजंट इट? यस। लेकिन हम भी आपसे वायदा करते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे, ऐसे ऐसे शक्लें दिखाएंगे कि आपकी अक्ल भी सुन्न हो जाएगी, है कि नहीं? यस। yes. अंजलि, ये वही म्यूजिशियन है ना जो उस दिन हमसे मेट्रो स्टेशन पर टकराया था? आई मस्ट मीट हिम। इनसे मिली, ये है लाला, इनकी वाइफ लाली, सुरेश बजाज, वाइफ परिंदा, इनके बड़े भाई दोलू, एंड गुड ओल्ड अंजू मंजू संजू, एंड माय बेस्ट फ्रेंड आदित्य साहनी। हेलो राजा, नाइस टू सी यू अगेन। अरे नाइस नाइस क्या, वंडरफुल यार, वंडरफुल। हमने राजा से कहा किसी को नहीं पता चले आप इस पहाड़ी में आने वाले हैं, सरप्राइज सरप्राइज, कमाल है ना? कमाल है। पहले मेट्रो स्टेशन, फिर होटल में, और अब हमारी इस पार्टी में। कुछ लोगों के रास्ते टकराते रहते हैं। आदित्य, तुम्हारी बीवी कहाँ है? अंजलि कहाँ है? Where's Mrs. Sahani? मेरी बीवी के साथ हैं, लेकिन आजकल आप लोग किसके साथ हैं? ये कैसा सवाल है? दिल, what do you mean? I mean, आजकल आपके मियाँ कहाँ हैं? China, Japan, Korea. Oh, Bangkok में तो नहीं है ना? Having a hot, hot massage. हिंदुस्तान साल में एक न एक बार तो आते ही होंगे ना? ये कैसा बेहुदा मजाक है? मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस पार्टी में नहीं आना चाहिए। ओए मंजू, अंजू। ओए संजू, ओए मंजू। क्या कर रहा है दिल? क्यों इन सबको छेड़ रहा है? डांट क्यों रहा है यार? बड़े बेशरम लोग हैं ये, अगली पार्टी में दुम हिलाते हुए इधर आ जाएंगे। छेड़ थोड़ी रहा हूँ यार, अपनी पार्टी को लाइफ दे रहा हूँ।
कुछ तमाशे होंगे, कुछ दिल टूटेंगे, तभी तो मजा आएगा। क्यों इतना टेंस हो रही हो अंजलि? बारीकी का फर्क है पा और मामी, पिया मिया मिया पिया, पिया मिया मिया पिया। क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो तुम छुपाना चाह रही हो। यूं दो दो कप में कॉफी पीने वाली अपने पति को तो बेवकूफ बना ही रही हो। मुझे क्या उल्लू समझ रखा है? तमाशा कर दूंगी। डर गई? ठीक है, नहीं बताती, किसी को नहीं बताती, पर एक है जिसे सब कुछ पता है। कौन? तेरा नहीं, मेरा पति। दिल। मत रो और किसी से मत डरो। न तुमने कोई गुनाह किया है, न मैंने कोई गुनाह किया है। दिलो पल्लवी की छेड़ को इतनी सीरियसली मत लो। अगर उन दोनों को पता चल भी गया है कि हमारे बीच में क्या है तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने आदित्य से कह दिया तो क्या हुआ? अच्छा ही है। बिल्कुल नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं आदित्य से ये बात कहने के लिए। तुम कभी तैयार थी भी नहीं, हमेशा बीच की राह ली है तुमने। अब सारे डिसीजन मुझे लेने होंगे। देखो मेरी तरफ, दो दिन बाद मेरा शो है और उसी रात को मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। तैयार रहना। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। इसका मतलब है सत्य ही ईश्वर है। जो चीज करो सही करो, सच्ची करो, यही रास्ता है मन की शांति का रास्ता। अब बोलो मेरे साथ, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बोलो फिर से, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु दी फतेह। वेरी गुड। पापा। अंजलि। अंजलि बेटी कैसी हो? आप लोग कब आए? कुछ बताया भी नहीं कब आ रहे हैं। मम्मा पापा ने हमें प्लेजेंट सरप्राइज दिया है, वो गोल्डन टेंपल अमृतसर जा रहे हैं, एक दिन के लिए दिल्ली भी रुकेंगे। गोल्डन टेंपल? तुम्हारे पापा ने मन्नत मांगी थी कि जब हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो गुरु नानक जी के दर पे माथा टेकने जाएंगे। और नानक जी की इतनी मेहरबानी है कि सब कुछ ठीक ही नहीं, बहुत ही अच्छा है। मैम, बेबी लोग ने अभी तक दूध नहीं पिया, हम मिल्क पिला दें उनको। आजा मेरे पास। पूजा और गौरी आप भी चलो जाओ दूध पी लो। नहीं मम्मा, हम लोग नाना नानी के पास रहेंगे। प्लीज बच्चों, अभी मामा की बात सुन लो, दूध पीने जाओ, बाद में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। कम ऑन पूजा गौरी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गर्ल्स, गो अप योर रूम, गो एंड हैव योर मिल्क, कम ऑन कम ऑन गो। कम ऑन गर्ल्स, गुड गर्ल्स। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु की कृपा अनगिनत है। जो समस्या हमारे घर को घेरे हुई थी वो अंत में सुलझ ही गई। अंजलि, तुमने इस घर को कितनी अच्छी तरह बसा लिया है।
हमने जो तुमसे मांगा था वो कोई छोटी बात नहीं थी बेटी, लेकिन तुमने बिना शिकन के हम सब पर इतना बड़ा एहसान कर दिया। आदित्य अभी बता ही रहे थे कि तुमने कितनी अच्छी तरह उन्हें, बच्चों को और सारे घर को संभाल रखा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अंजलि। हमने तुम्हें जो संस्कार दिए, तुमने किस खूबी से उन्हें निभाया है। माँ बाप अपने बच्चों की हदें नहीं पहचान पाते, लेकिन कुछ बच्चे उन हदों को तोड़कर आगे निकल जाते हैं और अपने माँ बाप की उम्मीदों से भी बढ़कर उनका नाम रोशन करते हुए एक मिसाल बन जाते हैं, जैसे कि तुम बन गई हो। उसके दर पर मैं यही मांगूंगा कि तुम्हारा ये संसार, तुम्हारा ये परिवार, तुम्हारा ये घर ऐसे ही फलता फूलता रहे, किसी की नजर न लगे, कभी कोई आंच ना आए।